अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह करे सब ठीक ठाक होंगे। ये मैंने कीमा ले लिया, अब इसमें ये प्याज डालूंगी और साथ साथ में बनाएंगे, साथ साथ में बातें करेंगे। क्या क्या डालूंगी ये मैं आप लोगों को बताऊंगी और कैसे बनाऊंगी। ये भी दो ब्रेड ले ली मैंने, इसको हाथ से मैंने चूरा कर दिया। कुछ मसाले डाल लेते हैं, लाल मिर्च, धनिया, जीरा पाउडर, लाल इंडियन मिर्च, मिक्स मसाला, चुटकी सी हल्दी, साथ में नमक, ये हो गया। धाड़ा मिर्च डालेंगे, स्पाइसीस बनाना है तो मिर्चें तो जाएंगी। चावल का आटा, ये रमजान स्पेशल कबाब हैं, इसलिए कि आप रमजान से पहले स्टोर कर सकते हैं और रमजान को आने में अभी थोड़ा टाइम है, आप पहले फ्रीज कर लें। ये एक अंडा डाल रही हूँ और रमजान में आने में टाइम है अभी, तो आप बना के स्टोर कर लें, पहले से कुछ चीजें बना लेंगे, स्टोर कर लेंगे तो आपको बाद में काफी आसानी मिलेगी। इसे मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स करना है। सब मसाला, अंडा, इसमें जो भी बाइंडिंग हमने डाली है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने जो ब्रेड डाली है वो मैंने साइडों से, इसके किनारे बिल्कुल भी नहीं उतारे, फुल ब्रेड डाली है। आप चाहें तो उसके किनारे उतार सकते हैं अगर आपको किनारे अच्छे नहीं लगते तो। इसमें धनिया डालें, हरी मिर्च डालें, तो मैंने हरी मिर्च और धनिया नहीं डाली इसलिए कि बच्चे नहीं खाते, तो इस वजह से जिन घरों में धनिया और हरी मिर्च खाते वो आप उसमें डाल सकते हैं। ये देखिए अच्छे से मैश हो गया, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, ये 2 चम्मच ऑयल डाला मैंने। मैंने 1/2 किलो कीमा लिया है और उसके हिसाब से मैंने बाकी चीज़ें डाल ली हैं। आपका अगर कीमा ज़्यादा है तो आप चीज़ें भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक भी अपने हिसाब से, कम खा रहे हैं तो कम डाल रहे हैं, मिर्चें भी अगर ज़्यादा लग रही हैं, नहीं खाते, ज़्यादा महसूस हो रही हैं तो कम कर लें, या ज़्यादा खा रहे हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। हम लोग जो बताते हैं, बनाते हैं, वो अपने हिसाब से बनाते हैं। आप नमक, मिर्च और मसाला कम ज़्यादा कर सकते हैं।
10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। 10 मिनट के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। दस मिनट का रेस्ट ले लिया हम लोगों ने। मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए और ये कीमा, इसे बहुत ही अच्छे से बनेंगे। ये मैंने शामी कुमार वाला सांचा ले लिया जिससे शामी कबाब बनाते हैं, ये वो वाला सांचे, ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें अच्छे से इसे प्रेस कर लेंगे और ये देखें आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे अच्छे अच्छे से प्रेस करने हैं इस तरह। अब इस तरह सारे बना लूँगी जो मुझे अभी चाहिए, और जो बाकी बच जाएंगे उसको मैं बना के फ्रीज कर लूँगी। अभी जो खाने के लिए हैं वो मैं इस तरह सारे बना लूँगी। ये देखें, ना तो कोई झंझट है बनाने में और ना कुछ, ये देख सकते हैं आप लोग। इसे इस तरह में ये फौरन फटाफट सारे बन जाते हैं। आप इसे एक महीने रखें, डेढ़ महीने रखें, दो महीने रखें, जिप लॉक वाले जो पहले आप इसको फ्रीज़र में रखें ट्रे में, जब ये थोड़े सख्त हो जाएं फिर निकाल के जिप लॉक वाले जो शॉपर होते हैं या किसी भी बॉक्स प्लास्टर वाले होते हैं उसमें डाल लें, शॉपर में डाल लें, तो ये आप बना के रख सकते हैं, पूरे रमज़ान भी चला सकते हैं। कम पड़ जाए तो रमज़ान में दोबारा बना लें, अपने हिसाब से बना लें। कभी इफ्तारी में ज़्यादा लग जाते हैं, कभी कम लगते हैं, तो ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। ऑलरेडी इसमें ऑयल डला हुआ है, कोई ऑयल नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना बिल्कुल भी, क्योंकि पहले हम लोगों ने ऑयल डाला हुआ है, अंडा भी डाला हुआ है, तो इस वजह से ये बड़े आसानी से बन रहे हैं। पाँच छः मिनट आपके मसाला बनाने में लगेंगे और पाँच छः मिनट ये कबाब बनाने में लगेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, ये सब बराबर बनते हैं, ना कोई छोटा बनता है, ना कोई बड़ा बनता है, ना कोई मुश्किल है, ये आप देख सकते हैं। ये वाला सांचा है इसका, ये यूं हो जाता है, ये इसकी होके देख सकते हैं आप। अक्सर घरों में ये होता है, जिसके घर में नहीं है तो वो ले आए बाज़ार से, तो ये इसको ऐसे किया, ऊपर से डाला, यूं छोड़ा, ये ऊपर आ जाते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि जिसके घर में नहीं है तो वो बाज़ार से ले आए। देखें, ये ले भाई, ऑयल हम लोगों ने रख लिया है। अब इसमें कबाब डालते हैं,
मैंने आज ब्रेड क्रम्स लगाए हैं, आप चाहें तो लगाएं या ना लगाएं, ये आपकी अपनी मर्जी है। आँच मैंने हल्की रखी है क्योंकि ये ज़्यादा जले भी ना तो अच्छे से अंदर से कुक हो जाए, अच्छे से पक जाए। देखिए माशाल्लाह, ये बर्गर के लिए मैं ले आई थी बाजार से, तो थोड़ा इसको मैं हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ। ऑयल वाला ही फ्राई पैन है पहले से, ऑयल आपको पता है, इसमें मैंने कबाब अभी तल बनाए हैं तो उसमें ये थोड़े से मैं इनको सेक लेती हूँ और फिर इसका बर्गर बनाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि आप लोगों को कैसे लगता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स भी किया करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप लोग देखते हैं। मेयोनीज़ और केचप लगा दिया मैंने।